नमस्कार भाई लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा जो डेस्कटॉप है ये उबंटू है और ये उबंटू 16.04 है। तो मैं अभी उबंटू 16.04 देख रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अबाउट दिस कंप्यूटर में ये 16.04 है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि उबंटू इंस्टॉल करने के बाद, उबंटू 16.04 इंस्टॉल करने के बाद वो कौन सा चीज़ है जो आपको सबसे पहले करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा वो होगा सिस्टम को अपग्रेड। सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसके बिना ना आपका मीडिया प्लेयर काम करेगा, इसके बिना ना आपका जो है प्ले स्टोर काम करेगा, ना आप कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ना आप कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, ना ही आप कोई जो है ऑडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये एक बहुत, जब मैंने पहली बार जो है क्या कहते हैं 16.04 जो है सो इंस्टॉल किया था कंप्यूटर में, तो बहुत मतलब दिक्कत हुआ था उस समय, क्या कहते हैं मतलब, तो पता नहीं चल रहा था कि आखिर प्ले स्टोर जो है सो काम क्यों नहीं कर रहा, प्ले स्टोर कहा गया इसका सॉफ्टवेयर सेंटर काम क्यों नहीं कर रहा है और जो है सो मीडिया क्यों नहीं प्ले हो रहा है। तो मैंने बहुत सारा जो है सो मतलब जगह जगह खोज किया, थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो है सो इसका जो है सो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो है सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर जो है सो अपग्रेड करना पड़ता है, तभी उसके बाद जाके आपका जो है सो प्ले स्टोर काम करेगा या फिर आपका वीडियो प्ले होगा और आप VLC इंस्टॉल कर पाएंगे अगर प्ले स्टोर काम कर रहा है। तो यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क था जो कि मैं शेयर करना चाहता था। आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए जो है क्या कहते हैं टर्मिनल में जाके sudo apt-get अपग्रेड और sudo apt-get अपडेट कर सकते हैं। अपडेट टाइप करेंगे तो जो है सो अब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और ये पासवर्ड में आएगा, सॉरी कमांड गलती है, मेरे ख्याल से मैं कमांड भूल गया हूँ, पता नहीं क्या कमांड था, स्पेलिंग गलती है। ये पासवर्ड में आएगा और पासवर्ड मांगने के बाद जो है सो अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, फिलहाल मुझे अपडेट नहीं करना है तो इसलिए मैं अभी मतलब अपडेट नहीं कर रहा हूँ। और एक और कमांड है sudo apt-get upgrade, ये फिर से पासवर्ड में आएगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में जो है मतलब अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब तुरंत इंस्टॉल किया और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर सेंटर काम नहीं कर रहा है और वीडियो नहीं प्ले हो रहा है या ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको जो है सो मतलब अपने जो है सो सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा जो मैंने कमांड बताया उससे, और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था कि ये मैं शेयर कर दूँ सभी के साथ, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था इसको लेके। तो कई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो है सो पता चला कि सिस्टम अपग्रेड करने के बाद जो है सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको आगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।